ऐसा है कि अर्थ इतना सूक्ष्म है, इस पर दृष्टि करने के लिए योग्यता के बहुत सूक्ष्म वस्तु है। हीरे की पहचान करनी हो तो ऐसा तो नहीं है कि कोई हाथ में हीरा उठाए और पहचान जाए। आजकल तो नकली हीरे बहुत होते हैं और असली हीरे में भी कोई दाग हो, कोई हीरा पन हो, तो सब लोगों की दृष्टि में नहीं आती है। हीरे के पारक ही होते हैं, वो तो सीखना है। ये ब्रह्मास्मय का जो भोग है वो इतना सूक्ष्म है, है बिल्कुल पास, परंतु इतना महीन है कि देखना है, तो महीन को देखने की योग्यता मानी चाहिए। और योग्यता में जो संसार को देखने में रुचि है, उसके संस्कार हैं, उसके अभ्यास हैं, वो छोड़ने पड़ते हैं, वही की योग्यता है। हम लोग पहले शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी में बैठ के सूर्य के खेत में सूर्य डालते थे। तो एक बार नहीं, जिसका पड़ जाए ना उसकी आंख से, और जिसको बारंबार डालना पड़े तो जिसको दृश्य और दृष्टा की पहचान नहीं, जो अपनी ओर देख नहीं पाता है, ऐसे समझ लो कि जो दूसरे की ओर देखता है, खड़े को पहचानता है, कपड़े को पहचानता है, विलायत को जानता है, अमेरिका रूप को जानता है, स्वर्ग वैकुंठ को जानता है, उसकी नजर अपनी ओर नहीं है, तब फिर आत्मा ब्रह्म से एक है, ये तो उसके ध्यान में कभी आवेगा ही। काम क्रोध की कमी, इंद्रियों के विक्षेप की कमी, कर्म विक्षेप की कमी, और पांच मिनट बाद तो उसके ऑफिस में जाना है और ब्रह्म विचार करने के लिए बैठे, ब्रह्म विचार देखे, श्रोताओं को सुना के मनोरंजन करना है, क्या बात हमको सुनाएंगे तो खुश होकर दक्षिणा ज्यादा देंगे, प्रभावित होंगे। ऐसे लोगों की दृष्टि से ब्रह्मात्मय से बोध दृश्यते स्वग्रेया दृष्टिया माया एकाग्र और चंचल भी न हो और सूक्ष्म मन से ही वेद माफ कर दें। अब देखे किताब पर किताब सामने रखने लगे, यहाँ ये रखा है, यहाँ ये दिखा है, यहाँ हमको किताब दिखती है, हमको वस्तु तो दिखती है। इसलिए योग्यता की अपेक्षा जो ऐसे सोचे हैं, ऐसा तो और लोग करते ही हैं, हम भी करें तो क्या है, और फिर बेराम सुझाव करने को वो तो भक्ति का भी अधिकारी है, जो दूसरों को देख कर उनकी नकल करता है, का भी अधिकारी। अधिकारी माने जो संस्कृत है, अधिकारी माने जो सब
कर्म कांड में अधिकारी माने ब्राह्मण क्षत्रिय संध्या वंदन करने वाला निबोध करने वाला होता और विराम में अधिकारी नियम को यही बताना चाहिए हम उपस्थित करिए मन विक्षेप जाके नहीं सिंधुए करना वह तो साधन खरीदना तो अधिकृत महिमा है। अब ये है कि ज्ञान ऐसा स्वयं प्रकाश है कभी किसी योग्यता का परवाह न करके भी कहीं प्रकट हो जाए उसको रोकने वाला है। ये बात तो हुई स्वयं प्रकाश पर जो चाहता है कि हमको ज्ञान है उसको तो योग्यता संपादन करना चाहिए अपने को योग्य नहीं बनाएगा और ये किसी के लिए मिल नहीं सकते। इसमें मूल बात यह है कि यदि ईश्वर भी किसी को आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान देगा वो अपने को सच्चा रख सकेगा दाता जो है वो सत्य रहेगा तो वो बाध अपना बाध नहीं कर सकेगा इसलिए कोई नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु यदि ज्ञान देगा तो गुरु अपने शरीर इंद्रिया भी के निष्ठा करा सकता है बात कर सकता है तो गुरु को जैसे किसी के देह इंद्रिया भी के निष्ठा का ज्ञान करा वैसे अपने देह इंद्रिया भी के निष्ठा का भी ज्ञान करा सकते। इसलिए ये देवी देवता का दिया हुआ जो ज्ञान है वो और कर्म से पाया हुआ जो ज्ञान होता है वो अहम हो जाता है। कर्म से पाया ज्ञान क्या है माने हम खूब कर्म करेंगे तो जैसे घरे को बनाते हैं घड़ा कैसे बना ये मालूम पड़ जाएगा कर्म से घड़ा बनता है वैसे यज्ञ ज्यादा भी रूप कर्म से स्वर्ग बनता है वैसे उपासना रूप कर्म से इष्ट देवता बनता है और जो बनेगा तो बिगड़ जाएगा निश्चित ही है कि जो बनेगा तो स्वयं सिद्ध है जो स्वयं सिद्ध है वही स्वयं प्रकाश है और वही स्वयं है उसका तो बोध ही है। भक्ति भी प्रकाश रूप ही है वो सकल सगुण ईश्वर का निर्माण नहीं करते सगुण ईश्वर पर जो अंधकार है उसको दूर करते क्योंकि भक्ति का जो अंतिम रूप है वो चिंतामणि है वो गंगा जी की धारा है और वो बूंद बूंद की वर्षा नहीं है। बूंद बूंद की वर्षा होती है राम नाम भर भरत युग सावन भादो मास वो बूंद बूंद की वर्षा और जब चित्त वृत्ति निरंतर भगवान की ओर चलने लगती है तो वो भक्ति गंगा धारा एक है भक्ति और पावनी भक्ति है तो वो तो निरंतर जो भगवदाकार भक्ति का प्रवाह है वो है
और एक जो नाम पूजा आदि क्रिया के द्वारा जो होती है वह भक्ति देती है। और जो चिंता नहीं है चिंतामय भक्ति जो है वो वस्तु को बनाती नहीं है और उसमें खाना भी नहीं है, उसको प्रकाश है जैसे भगवान है जिसे ऊपर जो जितनी सफलता पड़ा है उसको हटा देते। चिंतामणि माने प्रकाश होता है ना, तो बताओ वो है पावन स्वर भक्ति सबकी जरूरत पड़ गई ना, राम कथा गिराकर गाना परमात्मा की मरण सत्य गुरु की जरूरत पड़ेगी, सुमति कुदारी प्रसाद्र बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान विराज नयन रोजगारी आपकी जरूरत पड़ेगी, भाव सहित खुदी पान स्नान तो स्वयं उठना नहीं दूसरे को उठाना नहीं, जैसे है वैसे ही संतुष्ट रहना, भक्ति मार्ग में संकोच बाधक है। सब हमको तो पूजा मिल गई और पंथ मिल गया और चंदन मिल गया और इसको मिल गया, बस हम तो कृतिकल से हो गए। ये प्रेम में असंतोष चाहिए किसी भी स्थिति में, और जितनी प्यास बढ़ेगी उतने आगे बढ़ेंगे, उतनी तृप्ति मिलेगी और जितनी जितनी तृप्ति मिलेगी और प्यास बढ़ेगी। जब बैठ गए के बस हमारा हो गया, इस पान के बर्तन में एक अध्याय ही है पूरा, वृत्तांतों का अध्याय पुष्टि उसमें नवधा पुष्टि का वर्णन। अब तो हमको बड़ा भारी गुरु मिल गया, हमारा कल्याण, अब हम धाम में रहने लगे हमारा बड़ा कल्याण, अब हम रोज सोलह माला जप करने लगे हमारा कल्याण, चौसठ माला जप करने लगे हमारा कल्याण। ये जो अपनी वर्तमान स्थिति में जो संतोष है वो भक्ति और प्रेम का विरोध है, और पहले बाबा हिस्सा चिंताश्रम है ना, ये शास्त्र बहुत बड़ी बात है, ये मेरे साथ रहते थे बाबा हिस्सा रामचरण जी हिस्सा, अपने पास तो कुछ खा रहे द्वारका प्रसाद शास्त्री राम कुमार सब थे, ये लोग सवेरे जब करने के लिए बैठते थे, यदि कोई एक पुड़िया मनुष्य की किसी उसकी ना के रख लिया सामने आज तो चमत्कार हो गया, आज तो भगवान ने बड़ी कृपा करके भोग लगाने के लिए अपने किसी, ये दुनिया की छोटी छोटी वस्तुओं में जो तृप्ति है, एक केला मिल गया, एक टीवी मिल गई, एक कुटिया मिल गई,
कुछ पैसे में है, कुछ इज्जत में गई, कुछ अच्छा नाम कर गया है, और कहा किसी परमानंद परमात्मा, और कहा ये छोटी छोटी थी पहली बात तो ये है कि जितना भी ज्ञान होता है, ये खड़ा है, ये कपड़ा है, ये आदमी है, उसमें खड़े कपड़े आदमी को छोड़ करके ज्ञान के स्वरूप को देते हैं। जैसे हजार आदमी दिख रहे हैं रोशनी है, हजार आदमी दिख रहे हैं आंख देख रहे, हजार बातें मन में आ रही है मन एक है, ऐसे हजारों दृश्य दिख रहे हैं साक्षी एक है। उस विषय के भेद से, घटपट आदि के भेद से ज्ञान में भेद है, और इंद्रियों के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता, और मनोवृत्तियों के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता, और अहम के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता। जागृत स्वप्न सुसुप्ति के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता। वो असल में ज्ञान का स्वरूप ब्रह्म ही है, उसके साथ जो हम लोग विषय इंद्रिय अंतकरण अहंकार अथवा अविद्या वृत्ति से साक्षी का भेद, अलग अलग साक्षी होते हैं जो देते हैं, ये ज्ञान का स्वरूप है। किसी भी बाह्य के कारण से ज्ञान में भेद नहीं होता, बस अमृतत्व को अमृतन बचे, अमृतत्व की प्राप्ति हो गई, यही अमृत, ये ज्ञान ही अमृत। बोले भाई ज्ञान निष्ठा अथवा ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता दो बात कर दो, तो इसके लिए आत्मना बिंद से निर्जम, ये जो बल है नायम आत्मा बल ही ने निया, ये जब आप अपने को साधन तत्व से संपन्न करोगे, आत्मैव हि आत्मनो बंधो आत्मैव हि पुरात्मना बंधुरात्मात्मन सत्य नेनात्मयत्मना जिता अनात्मन से सत्तो बंदे आत्मय सत्तो, निष्ठा इसी निष्ठा में चाहे प्रलय आवे और अपने ब्रह्म स्वरूप होने में किसी प्रकार की दुविधा न हो, साधन संपन्न जो है वो भी व्यवस्था हो जाएगा, और विद्या अमृत की प्राप्ति का वो तो केवल ज्ञान से ही है। आत्मा यत्ने धृतौ देहे स्वभावे परमात्मा ने, आत्मना शब्द जो है ना आत्मना, उसका भी होता है यत्न भी होता है, यह आत्मा यत्न देह के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग है, तो भावे परमात्मा में आत्मा शब्द का अभी अर्थ होता है, तो आत्मा माने स्वयं जो प्रयत्न करोगे तो अपने निष्ठावान होने के लिए या साधन संपन्न होने के लिए, ज्ञान के पहले साधन संपन्न होने के लिए और बाद में निष्ठावान होने के लिए, जितनी अभ्यास की प्रधानता होगी उतनी निष्ठा बनेगी। तत्व का विचार करना हो तो निष्ठा का विचार नहीं कर सकते, तो खीर देना चाहिए, निष्ठा में खुली होने की जरूरत नहीं है, और किस तरह
इच्छा तो व्यक्ति में रहती है, अंतःकरण में रहती है, व्यक्ति में रहती है, तो अंतःकरण में रहती है। जब तत्व का विचार करना हो तो निष्ठा को काल के फेंक, और यदि जीवन मुक्त का जीवन व्यतीत करना है, महात्मा होना है, तो उससे निष्ठा की आवश्यकता है। और निष्ठा तो बिना ब्रह्माभ्यास के, तो प्रयत्न करके ब्रह्माभ्यास करके अपनी निष्ठा को जागृत आत्मना बिंद के रूप में, परंतु अमृतत्व की प्राप्ति जो है वो प्रयत्न से नहीं होती है, विद्या से होती है। विद्या माने पोथी पढ़ना नहीं, पढ़ा हो गया। जिस विद्या को प्राप्त करने के बाद कुछ करना बाकी नहीं रहता, ऐसा ज्ञान जिसको पाने के बाद कुछ करना न हो, कुछ पाना न हो, कुछ छोड़ना न हो, कुछ भोगना न हो, ऐसा ज्ञान। और सन्यासी होना माने ज्ञानी होना नहीं है। हमने तो एक ग्रीक पूछा, और ज्ञानी होना माने सन्यासी होना नहीं है। ज्ञान में सन्यास बाधित हो जाता है, और सन्यास ज्ञान की प्राप्ति के लिए या ज्ञान निष्ठा के लिए एक साधन है। ये नहीं कि ये कपड़ा बन गया और सन्यासी ज्ञानी भी हो गए, ऐसा नहीं है। जब तक दृश्य वस्तु में किंचित भी रुचि बनी हुई है, तब तक संन्यास नहीं हुआ। संन्यास नहीं हुआ तब तक जब तक दृश्य वस्तु में रुचि बनी हुई है, और जब तक दृश्य वस्तु का अस्तित्व बना हुआ है तब तक ज्ञान नहीं हुआ। दृश्य वस्तु का अस्तित्व होना ये ज्ञान की न्यूनता है, और दृश्य वस्तु में रुचि होना ये संन्यास की कमी है। संकल्प तो करके आए कि स्व संन्यासम है, और देवता की करते हैं पूजा, तो त्यागे हुए थे तो पूजा हुई। जब स्व न्यास हुआ तो देवता का भी न्यास हो गया, अग्नि का न्यास हो गया, सूर्य का न्यास हो गया, मंदिर का न्यास हो गया, भूलोक का न्यास संन्यास हुआ, कुंभक मंदिर का संन्यास तो नहीं है, देह का भी संन्यास हो गया, और गुबा का संन्यास हुआ तो अग्नि श्री जाति का संन्यास हो गया, और स्व का संन्यास हुआ तो जो देवी देवता पर्यंत जो देवी देवता है उनका संन्यास हो गया, और जब अज्ञान की निवृत्ति हुई तो अविद्या की प्रसुक्ति के लिए प्रसुक्ति सुनाने के लिए निवृत्ति हुई। तो ये सब जो कलयुगी माया है, ये सब कलयुग की माया है। ये मठ मंदिर है, अंतरिक्ष है, स्वर्ग है, देवी देवता है, समाधि है, समाधि भी कलयुगी माया है, क्योंकि एक व्यक्ति को आधार बनाकर समाधि रहती है, एक अंतकरण में होती है। तो अंतकरण तो मिथ्यात्व में निश्चित होता है ही नहीं आत्मा में, तो समाधि उपाधेय कहाँ से रहेगी, राज्य कहाँ से। इसलिए ज्ञान कोई साधारण वस्तु नहीं है। त्रिवेणी में सैकड़ों बार स्नान करे आए, सरस्वती का दर्शन नहीं रहे हैं, बहुत महीनों तक रहे हैं, बल्कि वर्ष तक रहे हैं, और रोज जाते थे त्रिवेणी स्नान करने। गंगा दिखती थी, जमुना दिखती थी, सरस्वती दिखती रहे। कोई नहीं पढ़ी है।
नहीं है, वो तो एक सूखा था पेड़ का तना गाड़ रखा है और उसमें ऐसी हरी हरी दाने लगा देते हैं और यात्रियों को दिखाते हैं। और एक जमुना के किनारे नया लगा रखा है वो दिखाते हैं। हाँ वो तो 150 वर्ष के भीतर कह गए भाव कर रहा है भाई। भाई जी शिक्षा के बारे में आपने बताया कि भाव बनाने में परिचिन्न रहना है। हाँ, पहले एक बार तत्व का ठीक बोध हो जाए, फिर बाद महात्मा जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख आस्वादन करने के लिए निष्ठा होने के लिए। और ये कहो कि एक बार ज्ञान प्राप्त करके सीधे खेती बनाने में लग गए, खेती तो तुमको ही खा जाए। एक उपासनी बाबा थे महाराज थे, बड़े शुद्ध महापुरुष थे, हम भी बैठे थे। एक दिन एक भगत ने उनके मुंह में मिट्टी डाली, तो ऐसी राहुल बाबू से नीचे बैठे थे नंगे धरती पर, तो लेट गए धरती पर, तो मुंह में जो मिट्टी थी ना उसका पानी मुंह से बाहर गया तो सीटी लग गई। अब इतनी सीटी लगी उनके शरीर में, एक स्कूल गया शरीर बंदर भगत खवाए मारे और ज्ञानी बताए मारे, तो थोड़े भगत लोग खिलाते ज्यादा है उनको और कुछ पूछते ही नहीं, बुखार उतरे कि न उतरे उनको तो है? उनको तो हलवा पूरी खिलाने बाबा को, तो कोई चाय चला जाए फिर उसके बाद ठंडाई चला जाए, और किसी को बाबा कभी चाय देंगे नहीं पिएंगे, तो वो अपनी चाय लेके जब पीछे हटता था मैं जा रहा ऐसा नहीं पियो, ऐसा नहीं पियोगे मैं जा रहा, तो बाबा कच्चे पर से उतर के उसके पीछे दौड़ते थे, नहीं लाओ बेटा लाओ बेटा। हाथ जोड़ लेते थे जो कहते थे, तो उनको ख्याल नहीं आया तो क्या। ये सब पंडिताई का काम है, तो जिसके पाठशाला में प्रकट लोग व्यापक हो जीविका सही है, दूसरे को ज्ञान कराने की जो साधना है वो भी जीविका के लिए पाठशाला के अध्यापक हो। संगति जिज्ञासु लोग बना देते हैं और उन्हें भी आचार बोल देते हैं। आचार्य को जिज्ञासु की जरूरत नहीं है, जिज्ञासु को आचार्य की जरूरत है, इसलिए जो जिज्ञासु होगा वो आचार्य को ढूंढना चाहिए और आचार्य ही ढूंढने चला जाए जिज्ञासु को, सब तो सब काम ही गिरा जाए। अरे तुम ज्ञानी हो, आओ आओ हम तुमको ज्ञान देते हैं, कैसे भी ना उस फिकर नहीं लगाऊ सबसे। एक आदमी को पकड़ा रहे हमारे ब्रह्मचारी जी ने, एक आदमी को बड़ा मुझे मालूम पड़ता है क्या ले रहा है, तो कोई रोग नहीं है चाहते हो तो कल से हो तो हाथ आगे पीछे होता है, यही तो रोग का लगता है। अब आओ हमें रोग की दवा हम करते हैं।
कैसे बन गए? गाँव में रोग फैलाया, लोगों को पहले रोगी से संबंधित करना, तो उनको ख्याल हुआ कि हम रोगी है, फिर लो दवा। हमको एक देश में अस्पताल से ही आसपास का देखो हमारा, हमारे देशों में हमारे पत्नी है, हमारे मकान है, हमारा बड़ा व्यापार है, करोड़ों का व्यापार है, हम अपने को सुखी अनुभव करते हैं, बहुत। अब आप हमारे बच्चों को ये मत बताओ कि तुम बड़े सुखी हो, सुख खा लेंगे, सास लगाओ, खाने से मत कम लोग ये कह कह के बुद्धि भेद मत पैदा करो। भगवान का नाम लेने को बताओ, जो एक अच्छी चीज है, भगवान का नाम है, पूजा करें, पाठ करें, माता पिता को माने, बड़ों का आदर करें, दान दक्षिणा दें, ये सब उनको सिखाओ, पर ये मत सिखाओ कि तुम बड़े दुखी हो। ये कोई सिखाने की चीज नहीं है, जब उनको स्वयं मालूम पड़े कि हम दुखी हैं और तुम्हारे पास बात देखते हैं कि हम दुखी हैं, हमारा दुख दूर करो, तब उनको दुख दूर करने का उपाय बताओ, उनको ठीक है ना, और वो बिल्कुल ठीक बात उनको बताओ, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, दान करो, भगवान का नाम लो, पूजा करो। अब आगे वो तो मौज में है, क्लब में रोज जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और तुम आके सिखाने लगे कि तुम बड़े दुखी हो, चाहे तो हमसे सुख में सुख डालते हैं। जिसको स्वयं मालूम पड़े कि हम दुख में हैं और वो दुख दुख से सुखने का उपाय सुखने आए, बताना चाहिए। बिना जिज्ञासु के ठाकुर रविन्द्रनाथ गुरुदेव ने सुना कि शांतिपुर के पास जंगल में कहीं एक महात्मा रहते हैं, बड़े तो उनका दर्शन करने के लिए गए, बातचीत हुई, जब कैसे चले गए इस जंगल में अकेला साधु, और इतना बड़ा अनुभवी ज्ञानी है, बोले महाराज आप करे करो बोल तो शांति मिलेगा, वहां हजारों आदमी आपके पास आएंगे, आपके ज्ञान से लाभ उठाएंगे, यहाँ जंगल में क्यों पड़े? साधु ने कहा कि व्यासा कुएं के पास जाता है, वहां प्यासे के पास नहीं जाता है, जिसको संसार में दुख का अनुभव होता है वो कहीं न कहीं महात्मा को ढूंढेगा, उसके पास जाएगा। ये जो बनते हैं कि हम ज्ञानी हैं तो उनको ज्ञान उपदेश करने के लिए आए हैं, ये तो एक प्रकार का अभिमान है, प्रकार की वस्तु नहीं है। महामारी फैल जाती है, सरकार को डॉक्टर अपनी ओर से भेजनी पड़ती है, परमात्मा रूपी डॉक्टर ने महात्मा रूपी परमात्मा महात्मा रूपी डॉक्टरों को ये दुनिया में ज्ञान का जो एपिडेमिक है, महात्मा की बात कहाँ से की? मैं ठीक है, उसमें भी ठीक है, किसी किसी के हृदय में करुणा की प्रधानता होती है तो स्वयं भी जाता है, किसी को परमात्मा भी भेजता होगा, पर अपनी ओर से तो सबको परमात्मा ही देखना, तत्वज्ञ की दृष्टि में सब परमात्मा है और सच्चिदानंद घन है, किसी को अज्ञानी और दुखी देखना ये महात्मा की दृष्टि में। और ये सब जो बच्चों के लिए जो पोथी बनने हैं,
ये जो अत्यंत विरक्त अवधूत कोटि के महात्मा है, उन लोगों की बात है कि उनके पास जिनको आना हुआ है, और नहीं तो जैसे पंडित पुरोहित बनारस के तीन बन गए, पंडित पुरपतरिया पंडित, तो ऐसा है ना है जी, किसी को अगर रोग तो उसको कोई जाके अपनी तरफ दवा दे देगा तो भी अगर सही दवा होगी तो उसको फायदा करेगा, लेकिन अगर किसी की जिज्ञासा न हुई हो, उसको बला जाके उद्देश्य करे तो अस्पताल, तो उसको ज्ञान नहीं देगा। देखो अपनी ओर से जो दवा देने जाते हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद जी के पास देखा मैंने, उनके नीचे बहुत सी पूजा बहुत सी दवा रखी हुई। मैंने कहा भाई जी ये क्या है, तो जो हमको देखने के लिए आते हैं वो एक दवा बता जाते हैं, दे जाते हैं, ये खाओगे तो हमको ये रोग हुआ था और इस दवा के खाने से हमारा अच्छा हो गया, तो तुम भी खाना। तो मैं ले लेता हूँ और मैं खाता यही रखती रहती है। दुर्गा जी के बारे में एक कहावत है, भगवान है, वो दवा नहीं खा सकते, दवा नहीं खा सकते। उम्र कौन सी चौरानवे वर्ष या सतासी नब्बे वर्ष, दवा नहीं खा सकते। तो वो डॉक्टर को बुलाते थे, तो रोज होने पर डॉक्टर को बुलाते, उसे पूरी जांच करवाते, जो करता हो करवा देते, फिर जो जो दवा देखता उसको मंगवा देते और खाते। लोगों ने कहा कि क्या करते हैं, डॉक्टर को क्यों बुलाते हैं, इसलिए कि उसको फीस फीस मिल जाए, उसकी जीविका कर दवा खरीदते क्यों हो, तो बेचने वाले की जीविका करे, अगर खाते क्यों नहीं हो तो मैं जिंदा रहूँ इसकी। डॉक्टर जिंदा रहे इसके लिए उसको बुलाते हैं, और दवा बेचने वाला जिंदा रहे इसलिए खरीदते हैं, और हम जिंदा रहे इसलिए नहीं खाते। लोग जो है ना वो दवा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन शरीर के बारे में नहीं जानते। तो अधिकारी का ज्ञान नहीं होने के कारण ये जो औषधियां बताते हैं वो वस्तु गुण तो उसमें है, पर उस अधिकारी के प्रति वो औषधि जो भी होगी कि नहीं। एक दिन हमको बड़े बड़े कठिनाई होते हैं ना, तो इन लोगों ने हमको डॉक्टर जलान को दिखाया, डॉक्टर है ना डॉक्टर जलान, तो उसने हमको बताया कि चोकर की रोटी खाओ, चोकर चोकर खाओ तो सब पेट को साफ करता जाएगा। अब महाराज मैंने उससे खाने से पहले चोकर दो दिन खा लिया, अब चोकर तो पेट में से निकला ही नहीं, मतलब फिर एनिमा लेना पड़ा। तो हमारे पेट का ख्याल उसको नहीं था, चोकर का ख्याल। तो ये दोनों अलग अलग से आके बिना पूछे दवा बताने वाले होते हैं, बिना पूछे उद्देश्य अधिकारी का ज्ञान हुए बिना, उसकी परीक्षा किए बिना जो उपदेश करते हैं, वो जिसको धर्म चाहिए उसको भक्ति बता देते हैं, जिसको भक्ति चाहिए उसको ज्ञान बता देते हैं, जिसको ज्ञान चाहिए उसको भक्ति बता देते हैं, वो तो उनका संस्कार जैसा होता है वैसा बताते हैं। इसलिए अपने आप बताने में ये सब उल्टा पलटा हो जाता है। आदमी अपने अनुभव की बात बताता है, जिसको बताता है उसके बारे में उसका कोई अनुभव नहीं है। और नहीं तो बाजार में जो पेटेंट दवाएं बेचती है, और आप बाढ़ हो तो सभी